पावर एंड कल्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट किधर सुप्रीम कोर्ट की कार्यकर्ता सत्या और इसमें सेफ रह गया उस पर बात करेंगे यार कल हमारा कहां तक हो गया ना एक तो सुप्रीम कोर्ट एक अगले न्यायालय है कल बताया मैंने आपको नोट बंद कर दीजिए बिल्कुल कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्डेड कोर्ट है 129 कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 129 का क्या कार्य करता है सर सुप्रीम कोर्ट एक नई नियुक्ति आ रहे हैं इसके जो केस में बीएसएम सर भी आ गए और सही अपनी मांगा पर दंड देने का दंड देने का अधिकार है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट कंटेंप्ट बताइए भैया कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट क्या कब पास किया हमारे पार्लियामेंट ने 1971 में 71 में क्या कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी व्यक्ति को सजा हुई थी आ सकता है क्वेश्चन नहीं सर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस करण सीएस करण सेवा या पद पर बने रहते हुए एक ऐसे न्यायाधीश जिसको न्यायालय की अवहेलना के पीछे जेल भेजा गया था क्वेश्चन को आ सकता है आप ठीक है पद पर बने रहते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस मीन्स न्यायाधीश सी एस कानन को द्वारा बोलना सी एस कानन को कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के मामले में न्यायालय की अवमानना के मामले में जेल भेजा गया था तो ये कैसे न्यायाधीश है ये पहले ऐसे न्यायाधीश है जो पद पर बने रहते हुए लड़के भी इनको जेल भेजा गया क्यों जेल भेजा गया कारण क्या है इनका कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट क्या कहा था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए थे द्वारा फिर इन्होंने एक आदेश दिया हम पर एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत अनुसूचित जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत गिरफ्तारी के आदेश दिए थे मतलब कई बार डिस्प्यूट हुआ था सामान के लिए उस समय सीबीआई कौन थे भारत के क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे एग्जाम में जे एस बिहार पहले सिख सीबीआई पहले सिख सीबीआई जे एस बिहार उनको गिरफ्तार करने के आदेश देश में इस आदेश में अभिलेख न्यायालय के बाद फिर मैंने कौन सा आर्टिकल बताया था आपको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता की डेफिनेशन क्या है कौन बता गया इधर से हाँ जी कल बताइए ऐसे थे बता दो सुप्रीम कोर्ट में हो कौन कौन से केस आते हैं इसके दायरे में राज्य के विवाद क्या इसमें नदी विवाद आता है नहीं सर आता है उसके लिए अलग से नदी विवाद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है आर्टिकल 262 में क्या कहा है आर्टिकल 262 में क्या एक्सप्लेन है हमारी संसद कानून बनाकर
इन मामलों को नियुक्त कर सकती है। कौन सा आर्टिकल 262 ठीक है, यहाँ तक बात समझ लिया जाए। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कौन से आर्टिकल में एक्सप्लेन थे? आर्टिकल 71 में ठीक है। तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या ये पावर हाईकोर्ट को दी गई है? नहीं सर, ये पावर हाईकोर्ट की पास। अब आते हैं दूसरे मामले में, अपील अधिकारिता। कितने प्रकार की अपील होती है? तीन प्रकार की। नंबर फर्स्ट संवैधानिक मामले का अपील। कौन सा आर्टिकल था? 132। दीवानी मामले का अपील सिविल मामले है। 133। क्रिमिनल अपील 134। सीक्वेंस बनाने ध्यान रखना ठीक है। आर्टिकल 134 अपील ठीक है। आर्टिकल 136 में क्या बताया मैंने आपको? एसएल स्पेशल लीव पिटीशन अच्छा एक आर्टिकल का रेप और बताया था 134A। हाँ सर, बताइएगा 134A में क्या एक्सप्लेन है? एक बता दीजिएगा कोई है जिससे मैं सुन सकूं। हाँ जी 134A आप बताइए। पर अगर हाई कोर्ट जजमेंट दे दे लेकिन सर्टिफाइड ना करे तो हमारा नहीं करेगा, एसएसबी के माध्यम से ये होती है 124A ठीक है। बैठ जाइए। हां जी अब आगे हम चलेंगे। इसके बाद फिर मैंने बताया था आपको जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। अच्छा ये जुडिशियल रिव्यू हमने कौन से देश के संविधान से लिया था? सर अमेरिका। अगर आधा है क्वेश्चन फिर करना है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया है? अमेरिका में, अमेरिका के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या है? संसद कोई कानून नहीं था, संसद कोई कानून बना सकती है तो उसका फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा हो तब वो द्वारा। जी हां, पहली बार कल आपने देखा ही होगा मैंने इसके साथ आर्टिकल 13 को भी जोड़ा था। जी सर ठीक है। आर्टिकल 13 क्या है? मौलिक अधिकारों का आधार बोला जाता है। इसी वजह से क्या बताया था उसमें, क्या देखा है आर्टिकल 13 में? मौलिक अधिकारों को कोई भी विधि बनाई, मैंने शब्द क्या बोला था? विधि, विधि बनाई। विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? रीति रिवाज, रिवाज और परंपरा। रीति रिवाज नहीं बोलेंगे, ऐसी प्रथा जिन्हें विधि का दर्जा दे दिया गया था। ऐसी प्रथा जिन्हें विधि का दर्जा दे दिया गया था। एक एग्जांपल मैं आपको लेके समझा रहा हूँ। जब कोई प्रथा होती है और उसे विधि का दर्जा दे दिया जाता है और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं ब्रीच करने लगती है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस प्रथा को हटा देता है। एग्जाम्पल है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल है जी सर। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? देखिए आप पहली चीज, ट्रिपल तलाक का प्रावधान क्या था? वर्षों चली आ रही थी परंपरा थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ महसूस किया ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन है और साथ साथ उसमें 15 का भी उल्लंघन है। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 में आप बताते हैं विधि के समान सत्ता, विधि के समान संरक्षण। जब यह अधिकार अन्य महिलाओं के पास है तो दूसरे महिलाओं से क्यों छीना जा रहा है? तो किया आर्टिकल 21 में गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार जब और महिलाओं के पास है तो दूसरे महिलाओं के पास ये क्यों नहीं हो सकता? आर्टिकल 15 में आपने पढ़ा होगा जाति धर्म लिंग आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उनके साथ क्यों किया जा रहा है? ठीक है, फंडामेंटल राइट ब्रीच हुए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बता दिया इसको? असंबद्ध प्रथा, वर्षों से चली आ रही प्रथा, इसे विधि का दर्जा। समझ गया? तो क्या होती है प्रथा? यदि ये संविधान का उल्लंघन कर रही है, फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रही है तो उनको कैसा बताया जा सकता है? संवैधानिक बताया जा सकता है। ठीक है, क्या समझे आप? संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि यदि मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो सभी
यही ऑप्शन वाले ऑप्शन ओनली सुप्रीम कोर्ट ओनली हाई कोर्ट या दोनों दोनों के पावर दोनों कोर्ट के पास हो गया हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है दोनों कोर्ट के पास अब यहां से बंद नहीं आगे फिर बताइए मैं आपको न्यायिक समीक्षा न्यायिक समीक्षा न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होगा अपने जजमेंट को क्या करना बदल देना या पलट देना कितने एग्जांपल कल आपको सुनाए थे आज आपको नया एग्जांपल फिर सुना सकते नहीं नहीं जी तो मैंने कल ही सुनाया था आज आपको नया सुना दीजिए अरे कुछ दिल्ली का था बेरू वाली केस बेरू वाली केस 1960 साफ साफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है इसमें कोई संशोधन नहीं होगा और इसी केस को कब पलट दिया केस वाला को था केस वाला था ठीक है केस वाला ने भारतीय केस में क्या कहा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है ठीक है हमारी संसद मौलिक अधिकारों में प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है संविधान के बेसिक फीचर बेसिक फीचर नहीं बदल सकती ठीक है पहले तो कुछ और कहा तो इसमें न्यायिक समीक्षा होती है तो लोग बदला जाएगा तभी न्याय इसमें न्यायिक समीक्षा मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि इसका बदला जाएगा समझ गया क्योंकि जरूरी नहीं है वही जज बैठे हो ठीक है कभी कभी ऐसा होता है रोकता रोकता सुप्रीम कोर्ट मारता होता है सीजीआई वो चाहे तो उनको भी दे सकता है किसी दूसरे को भी दे सकता है ठीक है बैच को अब यहाँ से बारिश करने के बाद अधिकारी का मौलिक अधिकारों का संरक्षण मौलिक अधिकारों का संरक्षण फंडामेंटल राइट का संरक्षण मौलिक अधिकारों का संरक्षण तो सबसे पहले आप मौलिक अधिकारों के संरक्षण की आपसे बात कर रहे हैं यही से हमारे क्वेश्चन आ रहा है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन कौन से कोड होते हैं तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ठीक है मौलिक अधिकारों के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही होते हैं और कैसे होते हैं नोट कर लीजिए पहले आप मौलिक अधिकारों के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट लिखो भी आप पहले कर देंगे आप सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है हेडिंग डाल दिया फिर मैं आपको कंपेयर करके दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ ठीक है अब देखिए आप मौलिक अधिकारों के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट कैसे आप लोगों ने रिट वन सुना होगा हाई कोर्ट 226
आगे सुप्रीम कोर्ट रिट निकालने के लिए बाध्य है, रिट निकालने के लिए क्या है बाध्य है, और हाई कोर्ट से निकालने के लिए बाध्य नहीं है। अगली चीज एक बार सुप्रीम कोर्ट रिट निकालेगा केवल और केवल फंडामेंटल राइट के मामले में रिट निकालेगा, अदरवाइज रिट किसी मामले में नहीं निकालता। लेकिन हाई कोर्ट हर मामले में निकाल सकता है, तो रिट निकालने की शक्ति किसकी ज्यादा मात्रा में हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट अगर कंप्लेंट करने पा जाए हो जाएगा हां सर ठीक है समझ में आ गया। चलो नोट कर जी के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है और आर्टिकल 236 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। क्या सर? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 236 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट केवल अदालत के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के बीच होने वाली रिट निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार का हनन होने वाली रिट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार का हनन होने वाली रिट जारी करेगा, लेकिन हाईकोर्ट किसी भी अधिकार के हनन होने पर रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट निकालने के लिए बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट रिट निकालने के लिए बात है, लेकिन हाई कोर्ट रिट निकालने के लिए बात है नहीं है। आगे बात समझ में, अब इनमें से क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने इनमें से कौन से आर्टिकल को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को या 26 को, 32 को बताइए पहले, आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 है क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा रिट के बारे में जैसे मैंने पढ़ाया है कुछ लोगों को मालूम होगा हैबियस कॉर्पस क्या बंदी प्रबंधी का अच्छी तरह इसका हिंदी बना रहे हैं, जरा बताइएगा एक्चुअली क्या निकाली जाती है हैबियस कॉर्पस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। साफ शरीर पेश करना क्योंकि व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है जी, तो फिर कोर्ट में अवैध करना चाहता है मतलब का मतलब होता है आप लोग जानते हैं हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, न्यायालय में साफ शरीर ले जाना। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस दी गई हैं बंदी से संबंधित, वो आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी दी गई है और संविधान में भी दी गई है हमारे,
आर्टिकल 20 21 22 आर्टिकल 20 का कहता है अपराध के लिए दो स्थिति के संबंध में संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 21 का कहता है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कस्टडी में आपको लिया गया है अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है आपका, तो आपको अधिकार देता है, पुलिस को नहीं अधिकार देता टॉर्चर करने का, ठीक है, समझ गया आपका अधिकार हिरासत में शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल 22 में आप देखेंगे हिरासत दो प्रकार से की जाती है, एक तो साधारण कानून के तहत और एक कठोर कानून के तहत। साधारण कानून के तहत जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो व्यक्ति का कारण बताया जाएगा, गिरफ्तारी गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। क्या कहा मैंने आपसे आर्टिकल 22 का फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। दूसरी चीज, गिरफ्तार को व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, समझ गया, और से मन पसंद दखल करने का अधिकार होगा। ये तो ठहरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 में। अब देखेंगे आप सीआरपीसी का क्या केस से संबंधित क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए सीआरपीसी क्या कहती है। सीआरपीसी 50 फर्स्ट साफ साफ कहती है गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 के बाद, समझ गया, ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट क्या होता है, जैसे आप या जो एसआई है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ठीक है, आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएंगे क्या बताएंगे आप, आपका पदनाम रैंक आपका नाम, किस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आए हैं उसका नाम, ठीक है, दो सम्माननीय पर्सन के साइन, फिर गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, वो आप पर बल प्रयोग करेगा तो आप भी धारा 46 के अंतर्गत बल प्रयोग कर सकते हैं, वैसे नहीं करेंगे। साफ साफ सीआरपीसी 49 में लिखा हुआ है पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए बल प्रयोग नहीं करेगी, लेकिन यदि अभियुक्त बल प्रयोग कर रहा है तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए बल प्रयोग कर सकती है धारा 46 में। 49 क्या कहती है, बल प्रयोग नहीं करेगी, जब वो स्वेच्छा से जाकर सरेंडर कर। अब क्या हुआ, अब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट आप आसानी से आगे अरेस्ट करेंगे। अब क्या होगा, इंटरोगेशन होगा, पूछताछ होगी, लेकिन आप कह रहे हैं रुको इंटरोगेशन कराने से पहले, इंटरोगेशन कराने से पहले मेरा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल करा दिया, मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने आपको छोड़ दिया, समझ गया, या 24 घंटे से अंदर जाना रहेगा, क्या समझे आप, उसके द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है वो दोषपूर्ण गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, दोषपूर्ण गिरफ्तारी हुई नहीं है तो ऐसी स्थिति में हैबियस कॉर्पस जारी कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारी सीआरपीसी भी पावर दी गई है और हमारा संविधान भी पावर दे रहा है, क्लियर हो गया। लेकिन यदि आपको कठोर कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो मामला उसमें हिरासत की अपनी बात को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, अगली बात समझना, यस, कठोर कानून ऐसे मान के चलिए हमारी संसद ने भी प्रवर यानी विधि बनाई, जैसे एनएसए है, एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाता है, क्या जमानत हो जाती है उसमें, नहीं नहीं होती, क्या प्रावधान होता है इसका, आप चाहे तो उसके लिए कोर्ट की शरण ले सकते हैं लेकिन जमानत नहीं होती, गैर जमानती अपराध है। और सुनिए आप, कोई बात नहीं, कठोर कानून है कोटा टाटा, ठीक है, कैसे कानून चाहिए, कठोर कानून, अगली बात सुन, आगे तो है इस कार्य पास और कौन कौन सी बेटा जरा बताना मुझे, पहले आप इसकी धारा समझ लीजिए,
आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को बहुत विस्तृत पावर देता है। अगर आपसे कहते थे सबसे बड़ी पावर तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता सुप्रीम कोर्ट को, यानी वो पूरे भारत के किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। कब करेगा? जब उसके लिए कोई विधि नहीं बनाई गई, या अपने से करेगा या दूसरी स्थिति है। अब यहाँ पर कह सकते हैं मान के लिए आप कोई भी मुद्दा ले लो, पर्यावरण से संबंधित कोई विधि नहीं बनाई गई है, ऐसा तो विधि है नहीं बनाई गई, मान लीजिए आप, तो वह ऐसा ले सकता है, यहाँ पर आदेश जारी कर सकता है। तो उसके निर्णय ये आदेश मान्य होंगे, सर्वोपरि होंगे, संपूर्ण न्याय के लिए, इसके लिए संपूर्ण न्याय के लिए। आगे बात समझ में आई? एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल जैसे जैसे एक जल की यात्रा से जुड़ जाएगा, यहाँ से लेकर अलग जुड़ेगा वो, इसका मतलब ये एग्जाम्पल जैसे संपूर्ण न्याय के लिए राम मंदिर मुद्दा है, कल मैंने जोड़ा था दीवान वाला भी जोड़ा था, और कौन सा मामला जोड़ा था, संवैधानिक भी जोड़ा था, ये मुद्दा है और लंबे समय से चला रहा है, इससे संबंधित कोई कानून नहीं है, सोचा करेगा वो अपने आदेश जारी कर देगा, ठीक है। और मान चलिए आप दिल्ली सरकार का संशोधन विधेयक था, अभी उसकी जांच की थी, ठीक है, उसमें आर्टिकल 142 लागू नहीं होगा, वो क्या किया उसने, वो जांच का, ठीक है, जांच का मतलब क्या बताऊं आपको, समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, कंक्लूजन लगाना बिल्कुल, समीक्षा का डेवलपमेंट किया है, दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक भैया कानून है, मतलब गवर्नमेंट का मतलब एलजी भाषा जिसकी है, ठीक है, उसमें नहीं आएगा, सारे किसों को एक समान मतलब देना हो, ठीक है, मेरे कहने का मतलब एक चीज आप याद रखो, जिस मामले के लिए विधि नहीं बनाई गई हो, विधि नहीं बनाई गई हो। एक और कंफ्यूजन शुरू कर रहा हूं आपका, देखो एग्जाम में लेके दूसरा आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का अधिकार, क्या इसके लिए कोई कानून था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था, इसमें तो इतना कहा गया कि छुआछूत का कानून कर दिया गया। अब जब अधिनियम होगा, कानून होगा, तभी तो किसी व्यक्ति को सजा मिलेगी जब उसका उल्लंघन करेगा व्यक्ति, तो इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम बनाया गया, मालूम होगा आप लोगों को, आप दर्शकों से इतनी बात समझे आप, यह अधिनियम बनाया गया, क्यों बनाया गया, सबसे ज्यादा समस्याएं छुआछूत की पैदा हुई, बहुत सारे क्षेत्रों में पैदा हुई समस्याओं ने, जब इकरार रूप लिया, जब एक अनुसूचित जाति का सैनिक अधिकारी या सैनिक शहीद होता था तो उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए लोग चाहते थे, अरे यहां मत करना, यह अनुसूचित जाति का दूसरे में ले जा फेंका, बताइए आप और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब क्या हुआ, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ फर्जी भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है साहब, आप जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी और ये एक्ट लागू नहीं होता, समझ रहे बात, सुप्रीम कोर्ट पहले ही बात कर देता, दोनों जुड़ रहा वहां से, सुप्रीम कोर्ट इसके लागू होने से पहले कर देता कि आप एससी एसटी के लिए कोई कानून बनाइए। आगे बात समझ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हमारी पार्लियामेंट के लिए, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया, 142 समझ गया, कि आप एससी एसटी के लिए कानून बनाइए, इनका बहुत ज्यादा उल्लंघन हो रहा है इनके अधिकारों का, ठीक है, लेकिन हमारी संसद ने कानून बना दिया। जब ये कानून बना दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस कानून बनने के बहुत समय बाद, ठीक है, ये कहा कि एससी एसटी एक्ट जब लगाया जाए तो उसकी जांच, यानी इन्वेस्टिगेशन आयोग हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो सकता है, सब इंस्पेक्टर हो सकता है, सी हो सकता है, कोई हो सकता है, जांच अधिकारी, तो क्या करे वो, एससी एसटी एक्ट लगाने से पहले जांच होती जाए उसकी, किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से तो नहीं लगवाई किसी दूसरे पर, और फर्जी तरीके से जब लगा दी जाती है किसी के द्वारा तो व्यक्ति जेल में चला जाता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाता है उसका, आपने देखा होगा ये व्यक्ति कितनी साल सजा काट रहा है, लंबी सजा काट रहा है उसका, बहुत देगा उसके साथ जो हुआ बेवजह फंसाता हूँ जांच। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सुनिए क्यों लिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एससी एसटी एक्ट जो लगाया जाए उसकी जांच की जाए, क्या की जाए, उसकी जांच की जाए, जांच की जाए,
अगर जांच नहीं करते हैं आप, सीधे सीधे लगा देते हैं किसी व्यक्ति पर, तो यह मौलिक अधिकार का हनन माना जाए। समझ गया? ऐसा कहा, किससे कहा? सरकार से। सरकार ने क्या दिया? एक अधिनियम बना दिया संशोधन करके। सरकार ने क्या दिया? संशोधन करके अधिनियम बना दिया और बता दिया कि ये गैर जमानती अपराध है अगर आप ऐसा करेंगे तो, और कानून बता दिया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गया? तो 17 से पहले अगर कानून नहीं होता था तो आर्टिकल 122 आर्टिकल 122 का काम था। और यहां पर जो आदेश दिया है फंडामेंटल राइट के संरक्षक होने के नाते दिया। ठीक है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी एनालिसिस कर लिया कि ये कानून सही है। एनालिसिस हो गया इसका, लोगों ने केस किया इसके लिए। ठीक है, तो ये कानून क्या है, गलत है या सही है, इसका भी एनालिसिस हो गया। एस सी एस टी एक्ट कौन सा अमेंडमेंट है? ठीक है, ये समझ गया नहीं कि बताओ मुझे कंफ्यूजन जी। हाँ, अब जमानत नहीं होगी बेटा इसमें, और इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे दिए गए हैं, कुछ प्रावधान अलग है। आपको अरेस्ट करने के लिए अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति आएगा। ठीक है, ये इसमें कुछ कंडीशन अलग अलग है। ऐसी स्थिति बताई गई है यहाँ पर, गिरफ्तारी कैसे होगी, प्रावधान क्या होगा उसका, जमानत कैसे होगी नहीं होगी। ठीक है, ये अब पहले क्या होता था, पहले क्या है, जमानती अपराध, और यहां पर क्या कर दिया, गैर जमानती अपराध। लेकिन एक चीज ध्यान दिया, किसी व्यक्ति को इस एक्ट के तहत अंदर किया गया यानी अरेस्ट किया गया तो न्यायालय का विवेक होगा, जमानत दे सकता है सीआरपीसी के तहत। समझ गया? बेशक इसमें ऐसा कहा गया है न्यायालय का विवेक है कि वो जमानत दे सकता है बिना जमानती अपराध के मामले में, लेकिन वो दूसरी स्थिति होगी फिर। हाँ जी, आर्टिकल 143 मतलब दोनों व्यक्ति अनुसूचित जाति नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना भी शामिल है, मतलब कैसे भी आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं व्यक्ति का। आप ग्रुप में खड़े होंगे निकले ठीक है। आज आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 सुनो भैया, आर्टिकल 143 में दी है सलाहकारी अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता एडवाइजरी। अब एडवाइजरी का मतलब क्या होगा? यह है सुप्रीम कोर्ट और यह है साहब प्रेसिडेंट। अब आप देखिए इस आर्टिकल का बड़ा अच्छा है, सुनिए पहला इसकी लैंग्वेज। आर्टिकल 143 ये एक्सप्लेन करता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेगा राष्ट्रपति से, कौन सलाह लेगा बोलो? राष्ट्रपति। देखिए आप, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी राष्ट्रपति मानने के लिए बात नहीं होगा। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बात नहीं होगा। सुनो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, ये बात है। अब इसके लिए होना क्या, इसके लिए होगा कि मान के लिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह दी, तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है सलाह दी कैसे सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट, जान नहीं जा रहा बताइए मुझे। ठीक है, कैसे सलाह देगा वो, क्या मौखिक सलाह दे सकता है, क्या लिखित सलाह दे सकता है, कैसे देगा। तो यहाँ आप देखेंगे किसकी है, आर्टिकल 145 के क्रॉस 3 में। ठीक है, क्या मेरा एक
बेंच का गठन किया जाएगा और बेंच को बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्या बोला जाएगा? संवैधानिक पीठ। और संवैधानिक पीठ में ध्यान रखेंगे आप, पांच से कम जज होंगे नहीं, पांच से कम जज होंगे नहीं। अगली बात सुन लीजिए, बेंच क्या था, लिखोगे आप सीनियर में आर्टिकल 143 चार बार भी लिखो, आर्टिकल 143 के तहत सर 142 की होगी, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा। सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाता है, संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, जिसमें पांच से कम न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे। इतना बताया मैंने आपको, पांच से कम न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे। हाँ जी, आगे जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या बोला जाता है इसको, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसकी शुरुआत न्यायाधीश CN भगवती के द्वारा की गई थी, इसी के इन्होंने नियम बनाए थे। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, CN भगवती के द्वारा। अब सुनाओ, अब आपके दिमाग में प्रश्न जा रहा होगा कब से की गई थी। ठीक है, 1980 के दशक में। ठीक है, अब स्थिति क्या बनी है, यहां पर क्या है, ये जनहित याचिका, इसको तोड़ दीजिए आप लोग भागों में जन और हित, कब डाली जाती है ये, जब कोई लोक महत्व का मामला शामिल हो, ठीक है, सारे लोगों का हित शामिल हो या मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है, तब ये जनहित याचिका डाली जाती है। जनहित याचिका कहां डाली जाती है, एक बार आपको प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डाली जाती है, दोनों में। ठीक है, दोनों में कहां डाली जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में ये जनहित याचिका डाली जाती है। इसकी प्रोसेस क्या होती है सर, डालने में और कोई होता है, जनहित याचिका की प्रोसेस ये होती है, जो व्यक्ति पीड़ित है, विक्टिम व्यक्ति है, वो नहीं डालेगा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा व्यक्ति भी डाल सकता है, दूसरा व्यक्ति भी यहाँ जनहित याचिका डाल सकता है। ठीक है, और वो पूछ सकता है, अब जनहित याचिका में क्या होगा, 50 रुपए का शुल्क,
और कोर्ट चाहे तो यही प्रावधान किया गया वो शुल्क को गरीबी कर सकता जैसे तो ज्यादा नहीं है 50 रुपए का शुल्क ठीक है चाहे तो वो शुल्क गरीबी कर सकता अब फीस क्या होगी फीस वकील करने की फीस अच्छा समझ गया कैसा वकील मिले जनहित याचिका क्या आप भी जनहित याचिका डाल सकते हैं वकील होने के नाते अपनी तरफ से आप बहस भी कर सकते हैं जनहित याचिका पर और यहाँ से निर्णय उच्च न्यायालय में भी आ सकता है कैसे आएगा बताइए आपको इतना थोड़ी आएगा जनहित याचिका पर टिप्पणी लिखी है क्या आएगा जनहित याचिका एक मध्यम वर्ग के लिए लोगों के लिए ठीक है एक न्याय का प्रतीक है आसानी से इस पर कमेंट कीजिए कुछ भी आ सकता है ठीक है वैसे तो आप केस करेंगे सीधे फंडामेंटल राइट के लिए कितनी लंबी पड़ जाएगी ये सुबह कितनी जनहित याचिका वाले फिर ये प्रश्न आज पूछेगा वो जनहित याचिका किसके थ्रू स्टार्ट की गई थी उन्होंने कौन सी याचिका लाया था नाम ही पूछेगा वो नाम तो बता दिया वो ये पूछेगा किसके बेस बनाने स्टार्ट की गई थी जुडिशियल एक्टिविटीज न्यायिक सक्रियता के लिए न्यायिक सक्रियता के लिए उस बेस पर आधारित है इसका बेस क्या है जुडिशियल एक्टिविटीज ठीक है आज क्या जनहित याचिका पब्लिक और प्राइवेट दोनों मामलों में जारी की जा सकती है दोनों में की जा सकती है पब्लिक और प्राइवेट जैसे मान के चलिए आपके गांव के बराबर में तो कंपनी लगी है और आपने एलजीटी में केस फाइल कराने का बार बार प्रयास कर रहे हैं एलजीटी में और वो उसमें देरी हो रही है क्या आप जनहित याचिका डाल सकते हैं सारे अच्छा डाल सकते हैं डाल सकते हैं क्योंकि पूरे का पूरा जनसमूह प्रभावित हो रहा है अभी बात समझ में इस तरीके से डाल कर सकते क्लियर हो गया अच्छा ये बहुत आप लोगों में से भोपाल गैस त्रासदी के मामले में कौन कौन जानता है 1984 भैया मीरा जी आपको है आप ये कहिए तिरोगी दादी और किसी भवानी की रात में क्या करते हो मर जाओ सुनाए नहीं सुनाए सुनाए 2 दिसंबर या 3 दिसंबर कुछ चलो कमेंट कर देते हैं 2 दिसंबर या 3 दिसंबर 1984 घटना है गैस तो सबको याद होगी घटना ऐसे जाना है अच्छा था प्लांट का नाम बताना यूनियन कार्बाइड यूनियन कार्बाइड यूनियन कार्बाइड लिमिटेड क्या नाम था उस प्लांट में सर गैस अमोनिया कहाँ से आ रही गैस कार्बोरिल लगता था कार्बोरिल कार्बोरिल हाँ ये आगे ये बढ़ रहा है कार्बोरिल और ये कार्बोरिल लगा के जवाब प्रश्न कर रहा हूँ ये है क्या ये कीटाणु नाशक है इसका कमर्शियल नाम है सेविन कमर्शियल नाम क्या है इसका सेविन व्यापारिक नाम ये सेविन ऐसा कुछ नाम का अलग अजीब टाइप का इस
इसमें का याद रखना भोपाल में चलने वाला क्वेश्चन कार्पोरेट बनता था व्यापारिक नाम सेवन है प्लान का नाम यूनियन कार्बाइड लिमिटेड वो सब को याद है जी बिलाल जी मतलब क्या किया पढ़ाइए किसके लिए किसानों के लिए किसान ऊपर चर्चा करेंगे अभी आप हाँ और सब में करेंगे जो भी अभी समय हमारा मतलब नहीं है जैसे इंटरनेशनल बॉडी सब पर अगर जज साहब भाई बोला तो बता सकते हैं दूसरा गवर्नमेंट आंसर दे दी उसने हां हां जी हां जी आप पहले तो एनजीटी इस पर एक्शन ले ठीक है एनजीटी की जरूरत आएगी आप और एनजीटी अगर भाई चांस नहीं सुन रहा है तो आप जनता के माध्यम से और हाँ एक चीज और है पोस्ट कार्ड के माध्यम से लिखी हुई जनहित याचिका स्वीकार कर ली जाएगी आपकी लिख लो आप अगर आ जाए मिस्टर भाई चांस सर का पोस्ट कार्ड पर लिखी हुई जनहित याचिका भी आपकी स्वीकार हो सकती है हाँ कोर्ट की भाषा आप जानते हैं क्या कोर्ट की भाषा इंग्लिश है भैया कौन से कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश है कानून बनाने की भाषा इंग्लिश है जी भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा यहाँ पर यह भी नहीं कहा गया कि संविधान का आर्टिकल नहीं है यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि हमारी संसद ऐसा पावर किसी कोर्ट को दे दे ठीक है सबसे पहले ध्यान दे दिया जैसे ट्रिब्यूनल है ये एनजीटी तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहली चीज तो आप देखेंगे एक एक्ट लाना पड़ेगा क्या लाना पड़ेगा एक्ट 2010 में भारत सरकार ने एनजीटी एक्ट पास किया था 2010 में और अक्टूबर 2010 में क्या करती है एनजीटी की स्थापना करती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे सेना के ट्रिब्यूनल क्या होगा उनके अंदर काम क्या कैसे कैसे होते हैं क्या आईपीसी सैनिकों पर लागू होती है नहीं हमारी दंड संहिता सैनिकों पर लागू होगी नहीं सर या फोर्स पर लागू होगी नेवी पर लागू होगी नहीं लागू होगी ठीक है उनके लिए कौन सुनेगा कहाँ सुने जाएंगे उनके लिए जरूर पे सुने जाएंगे हमारे यहाँ फांसी की सजा का प्रावधान क्या है अंधा इस सैनिक मामले में क्या है गोली मार दी जाती है देखो सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियां सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है अधीनस्थ मीन्स अधीनस्थ का मतलब सेशन कोर्ट नहीं है यहाँ मैं बताऊं सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट है हमारे देश का वो हाई कोर्ट पर भी नहीं रहेगा और हाई कोर्ट किस पर रहेंगे सेशन कोर्ट पर
हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर करना है, कौन करेगा? हाई कोर्ट अपने आप कर लेगा? नहीं सर, ठीक है, अगली बात समझना। अब इसकी आगामी चीजें क्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल बिल्कुल पैनल को भी बंद कर देंगे, अरे मान के चलिए आप 10 मिनट का कम से कम, तब आपको समझ आएगा पूरा, क्योंकि आपने बुक में पढ़ा है संविधान में क्या पढ़ा है, बुक में क्या है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा देता है, ये तो पढ़ा है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा देता है, बहुत सारी चीजें देखिए। अब क्वेश्चन काम करते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, तो ये पार्ट यूज हुआ है महाभियोग का, तो करते हैं ये इंपीचमेंट, ये महाभियोग कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत यूज होता है, पहला तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, आर्टिकल 61, एक तो आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के, एक आर्टिकल 146 का क्लॉज और एक आर्टिकल 217 का, ठीक है, अब इनमें क्या क्या है पूरी कथा आप यहाँ पर सुनेंगे, समझ गया क्या क्या चीजें हैं एक्सप्लेन की, तो सबसे पहली चीज ये तो आपने पढ़ रखा, ये तो पढ़ रखा है आपने, इसको आपने कैसे पढ़ा था, मैंने आर्टिकल 56 के बारे में बताया था आपको, जी सर, कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल में मैंने बताया था आपको क्या, नंबर फर्स्ट राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति निम्न स्थिति में अपने पद से हट जाएगा, नंबर फर्स्ट उसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, कार्यकाल जन लिखा है कितना, 5 ईयर, बीच में जाए तो स्वेच्छा से रिजाइन दे सकता है, वो तीसरी कंडीशन क्या है, उसको कदाचार संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जाएगा, फिर मैंने इसकी कंपेयर आपसे कराई थी किसकी, अमेरिका में, महाभियोग की, अमेरिका में का प्रोसेस है क्या, दोनों सदनों में से किसी में लाया जा सकता है, नहीं नहीं सर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बता दिया था मुझे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही लाया जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है, वो दोनों में से किसी में, यहाँ पर महाभियोग इनके लिए और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, आर्टिकल 217 फर्स्ट ये कहता है, ये तो मैं दिखा रहा हूँ क्या कह रहा है, आर्टिकल 217 फर्स्ट ये कहता है, वो गौर से सुनना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रोसेस से हटाया जाएगा, आर्टिकल 224 की क्लॉज 4 के अंतर्गत जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, लेकिन समझ में क्या आ रहा है, 217 फर्स्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रोसेस से हटाया जाएगा जिस प्रोसेस से आर्टिकल 124 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, तो महाभियोग में आपने कहा की गई है, तो ये तो राष्ट्रपति के मामले में की गई है और ये सही है, कौन से आर्टिकल में की गई है आपसे पूछ सकता है, आपसे कहता है महाभियोग कहाँ डिफाइन है, आर्टिकल 124 अब यहाँ से आपसे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, या प्रसिद्धि अफले निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार लाने का वादा है, ठीक है, या ए और आर, ए सही है, आर सही है, ए आर को एक्सटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ए रॉन्ग, आर राइट, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये किताब विचार कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को निम्न प्रकार हटाया जाता है, निम्न प्रकार हटाया या हिंदी में कहते अवकाश किया जाता है, जिसमें कहते रिमूवल किया जाता है, या हटाया जाता है, नंबर आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 नंबर सेकंड
जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 क्या बोला आपने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 न्यायाधीश जांच अधिनियम न्यायाधीश जांच अधिनियम 1965 सही है अब यहां पर बना देंगे क्या ए ओनली फर्स्ट बी में कहते सेकंड और सी में कहते दोनों और डी में कहते वैसे कोई नहीं हमारी क्या आंसर होगा सर दोनों सर बी होगा ये भी शामिल है दोनों दोनों में आंसर क्या है इसका सी सी जैसे पीछे डाल देगा था तो आप अपने बेटे को बताए रखना के लिए बोल देगा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1965 अब ये क्या कहता है आपके दिमाग में आ रहा होगा और ये क्या कहते हैं इधर कहते नहीं गौरव आठ मिनट दे दिया सुनो चित्र बन जाएगा ना बन जाएगा ये हमारे संसद है सारे लोग जानते हैं राज्यसभा लोकसभा और न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है लिखवा हूं वैसे आप लिख नहीं पाओगे न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव हमारे संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है वो कह रहा है आपसे आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 देखते जाना क्या काम है आपसे न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है ऐसा किस्मत आ गया 124 बहुत अच्छे लिखकर बनाए अब प्रस्ताव हम मान के चलिए लोकसभा में लेके आते हैं लोकसभा में 100 मेंबर और राज्यसभा में 50 राज्यसभा में कितने मेंबर 50 50 और लोकसभा में 100 मेंबर क्या ये 124 के प्लस 4 में कहा गया है ये किसमें कहा गया है न्यायाधीश जांच अधिनियम में कहा गया न्यायाधीश जांच अधिनियम के अंतर्गत यदि हम राज्यसभा में लाना चाहें तो कितने मेंबर चाहिए 50 हस्ताक्षर करने के लिए 50 और लोकसभा में लाना चाहें तो कितने चाहिए 100 क्लियर हुआ यहां से हम आगे चले आगे जाएं ठीक है मान के चलिए हम लोकसभा में लेके आते हैं क्या लेकर आए लोकसभा लोकसभा में जब आया तो लोकसभा में प्रेसिडेंट ऑफिसर कौन है स्पीकर ठीक है बिल्कुल सही बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्पीकर एक कमेटी का गठन करेगा क्या करेगा स्पीकर एक कमेटी का अब आपके दिमाग में आ रही होगी ये कमेटी क्या चीज होती है इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एक व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट का सीधे किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है दूसरा व्यक्ति कितने व्यक्ति हो गए तीसरा व्यक्ति है जूरी मींस ऐसा व्यक्ति कानून का पारंगत हो यानी कानून का क्या हो कितने व्यक्ति हो इस कमेटी में तीन व्यक्ति कौन कौन है तो देखो कौन है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तीसरा जूरिस्ट यानी विधि का जानकार ठीक है अब ये तीन हाँ कोई व्यक्ति हो सकता है अब ये तीन व्यक्ति है अब ये तीन व्यक्ति का मतलब क्या है तीन व्यक्ति कौन से निकाल ये जांच करेंगे कि न्यायाधीश ने कदाचार किया है या नहीं न्यायाधीश बेवर किया है या नहीं किया है यदि इन्होंने जांच करके ये कहा कि इसने मिसबिहेव नहीं किया है तो ये मामले खत्म हो जाएगा पूरा समझ गया ये मामले क्यों हो जाएगा बोलो खत्म हो जाएगा यदि कमेटी ने जांच करके कह दिया क्या कह दिया ये आरोप गलत लगाया जा रहा है संसद के सदस्यों द्वारा माननीय सदस्य द्वारा ठीक है तो क्या होगा वो
ये मामले को क्या होगा खत्म हो जाएगा। यदि कमेटी ने जांच करके दे दिया क्या यार सही है ये प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अब आगे कैसे बढ़ेंगे सीधे सीधे रिपोर्ट किसके पास आ गई है स्पीकर के पास। स्पीकर सीधे कहां जाएंगे से लोकसभा में सदन में जाएंगे। लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगा ठीक है। किसी मेजोरिटी से पास कर देगा 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगा। तो हम ये प्रूव कर चुके कि एक सदन ने महाभियोग पास कर दिया ठीक है। यदि दूसरा सदन इसको पास नहीं करता है तो महाभियोग फिर खत्म हो जाएगा ठीक है। दोनों सदनों को क्या करना पड़ेगा पास करना होगा 2/3 मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी से। इस कंडीशन में राष्ट्रपति उसे पद से हटा देगा। आगे बात समझ में ठीक है। अब बताओ इसमें दिक्कत किसी को क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं अगर कुछ दिक्कत हो तो दोबारा सवाल। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ दीपक मिश्रा पर महाभियोग लाया गया रामास्वामी पर महाभियोग लाया गया सौमित्र सेन पर महाभियोग लाया गया बहुत सारे न्यायाधीश हैं ठीक है। अब सुनिए इसमें क्या क्या है। रामास्वामी पर जब महाभियोग लाया गया तो महाभियोग पास नहीं हो पाया पंजाब हाईकोर्ट के जज थे। सौमित्र सेन पर लाया गया लाने के दौरान उन्होंने रिजाइन दे दिया। दीपक मिश्रा पर लाए जाने के दौरान यहीं पर बर्खास्त कर दिया गया ठीक है आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन अगर मामला आ जाए कि ऐसे कौन से सीजीआई है वो तो अन्य न्यायाधीश थे सीजीआई अगर आ जाए ऐसे कौन से सीजीआई है जिन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था वो कौन है बिल्कुल से यहाँ से करना होगा उधर ले सुनो भैया की बात सुन लीजिए भैया पांच नंबर भैया बस थोड़ी क्वेश्चन क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा है आपका क्वेश्चन है देखिए इस विधि से कौन कौन हटाया जाएगा नियंत्रक महालेखा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य एक नायनामा एक एक्स्ट्रा बात है यहाँ पर वो बात यह है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को ऐसी प्रोसेस से हटाया जाएगा। समझा मेरा क्वेश्चन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को कैसी प्रोसेस से हटाया जाएगा नहीं सर एक ही प्रोसेस होगी राज्य में होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल करता है राज्यपाल नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाते इसी प्रोसेस से होगी भैया तो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कैसे हटाएंगे इसी प्रोसेस से। बहुत सुनिए आगे इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो इसी प्रोसेस से आ जाएगी ठीक है। आगे बात समझ
25 क्वेश्चन संविधान क्या है, मैं आपसे गारंटी नहीं दे रहा, सर्टी बन रहा हूँ। 22 क्वेश्चन ऐसा से मिलेंगे जो मैंने पढ़ाए हैं। 22 हाँ देख लेना, मेरे क्लास में चेस कर लेना। मेरा सर 124 लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आप ये ना छोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो कुछ बताया जा रहा है। क्या पूरी श्योरिटी है? और एक बात और कह रहा हूं, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर चपरासी के एग्जाम से लेके ये सिविल सर्विस तक की है ये गारंटी मेरी भी, ठीक है? चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे एसआई का हो, और चाहे बिल्कुल लो लेवल का हो, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यही से पूछ लेगा, मान लो छोटा एग्जाम का पूछा हो, राज्यसभा में कितना सदस्य चाहिए? 50 चाहिए, लोकसभा में चाहिए 100, इसी को बनाते हैं बड़े एग्जाम में लेक्चर करा देगा इनकी। ये क्या इसमें कहा गया 124 स्कोर में देखा गया, किसमें कहा गया न्यायाधीश जहां का सीन कहा गया वरिष्ठ तक सही से बन जाएगा, तो जीरो से लेकर ऊपर तक पहुंचा जाता है, ना तो जाते ऊपर ना जाते नीचे। सर थोड़ी सर लैंग्वेज दिखा देते इसको, सर लैंग्वेज में दिखा रहा हूं, सब लैंग्वेज दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को एक ही प्रोसेस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को एक ही प्रोसेस के अंतर्गत पद से हटाया जाता है। कदाचार करने पर यानी मिसबिहेवियर, कदाचार करने पर या इनकैपेसिटी के आधार पर यानी काम करने में जाओ असमर्थ हो, इनकैपेसिटी के आधार पर, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस, तो ये की चीज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस आर्टिकल 124 के क्लॉज 4, आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 तथा का मतलब क्या है, एंड न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी गई है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी गई है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी गई है, क्लियर हो गया? नहीं लाइन से आर्टिकल 217 के फर्स्ट में, आर्टिकल 217 फर्स्ट में क्या है, ये एक्सप्लेन किया गया है, ये एक्सप्लेन किया गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी सचिव ऑफ हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी उसी प्रोसेस से हटाए जाएंगे जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। प्रोसेस समझ गए आप, 124 का क्लॉज 4 और न्यायाधीश जांच अधिनियम यानी जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट हम नहीं लाए थे, तेज तो नहीं बोल रहा हूं, स्पीड हल्की दी जाए, ज्यादा एमबीपीएससी आएंगे तो लोग दी जाएगी। हाँ जी, न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव नहीं लाए थे, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है,
ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 124 का क्लॉज 4 क्या कह रहा है ये लैंग्वेज कौन बोल रहा है 124 का क्लॉज 4 ठीक है दोनों में से किसी सदन में लाया जाएगा नई लाइन से न्यायाधीश जांच अधिनियम के अनुसार न्यायाधीश जांच अधिनियम के अनुसार लोकसभा के मामले में 100 सदस्य तथा राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है आप कहाँ रहते बड़े जल्दी बात बताइए तो वही आ चले गए सही एग्जांपल लोकसभा के मामले में 100 सदस्य और राज्यसभा के मामले में अब ये जो न्यायाधीश जांच अधिनियम कौन सा बना है 1968 इसके बारे में नोट करके लिखेंगे आगे नीचे लाएंगे नोट इसी के मामले संबंधित लाइन है आर्टिकल 124 के क्लॉज 5 में आर्टिकल 124 के क्लॉज क्या बोला हमें 5 में हमारी संसद 124 के क्लॉज 5 में हमारी संसद इसके लिए कानून बना सकती है तो 124 5 क्या हो गया यानी मैं न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया है वो किसको बेस बनाया बनाया है 124 5 को बेस बनाया बनाया है ठीक है उसमें किसमें कहा गया ऐसा कानून हमारी संसद बना सकती है 124 5 अब आगे चलिए हटाए जाने का प्रस्ताव जब किसी भी हटाए जाने का प्रस्ताव नहीं लाए से किसको हटाए जाने का न्यायाधीश न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जाना है क्या लोकसभा में लाएंगे नहीं लोकसभा से किसी सदन में ला सकते हैं लोकसभा में लाया जाता है तब लोकसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर एक कमेटी का गठन करता है एक कमेटी का गठन करता है उस कमेटी में 3 लोग होते हैं तीन लोगों के आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक ज्यूरिस्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोलो हाई कोर्ट के सीधे किसी भी हाई कोर्ट के तीसरे व्यक्ति कौन है ज्यूरिस्ट क्या ये 124 में कहा गया न्यायाधीश जांच अधिनियम न्यायाधीश जांच अधिनियम देखो नहीं लाइन से ये कमेटी ये जांच करेगी कि न्यायाधीश ने कदाचार मिसबिहेवियर किया है या नहीं किया है यदि कमेटी जांच करके ये रिपोर्ट देती है
कदाचार नहीं किया है। तुम्हारे साफ हो जाएगा। यदि कमेटी ये जांच करके देती है कि कदाचार किया है, कदाचार किया है, ठीक है, तो रिपोर्ट स्पीकर को दे दी जाएगी। तो रिपोर्ट स्पीकर को दे दी जाएगी। तब स्पीकर सदन में चर्चा करेगा, चर्चा के लिए रखवाएगा। यही पर एक बहुत अच्छा सा कीवर्ड है क्वेश्चन का, तब न्यायाधीश को 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी। समझ गया? तब न्यायाधीश को 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी आप जानते हैं? कब आपका मामला साफ होने वाला है, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसके बाद जी, हाँ जी, रिपोर्ट के बाद उस समय नहीं, पहले से दी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, समझ गए? रिपोर्ट कहां पर दी जाएगी? यहां पर। उसके बाद सदन, उसके बाद सदन का मतलब क्या है? लोकसभा स्पेशल मेजोरिटी से इसे पास करेगा या पास करेगी, विशेष बहुमत 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करेगी। यदि एक सदन ने पास कर दिया तो यह माना जाएगा कि एक सदन ने महाभियोग पारित कर दिया है, यानी एक सदन पूरी तरह सहमत हो गया। एक सदन ने महाभियोग लगा दिया है। अब ये दूसरे सदन को भेजा जाएगा। ये तो बहुत देर से कह रहे थे। अब ये दूसरे सदन को भेजा जाएगा। दूसरा सदन भी यदि पास नहीं करता है तो महाभियोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन लेकिन पास कर देता है तो दोनों सदनों से पास माना जाएगा, राष्ट्रपति न्यायाधीश को अपने पद से हटा देगा। जी नहीं, ज्वाइंट सेशन यहां कहां जाएंगे? अगर ये पास नहीं करें फिर भी नहीं माना जाएगा। न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? लिखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल
नहीं जान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष होता है। 6 या 65। अब मान दिमाग में एक प्रश्न और डाला होगा, 6 साल या 65 साल, इसका क्या चक्कर? दोनों में से कोई भी हो जाए, दोनों में से कोई भी जो पहले हो जाए, समझ गया? दोनों में से कोई भी जो पहले हो जाए। संविधान में लिखा है जी, संविधान में लिखा है। अमेंडमेंट करके बढ़ा देते हैं। अब हम मालूम है हाई कोर्ट कितनी है, 65 है, हम बढ़ा सकते हैं, सिर्फ अमेंडमेंट करके। हाँ जी, 65 या 6, इसका मतलब ये है दोनों में से कोई भी हो जाए पहले। पहले का मतलब क्या है सर, आप मान के चलो कोई न्यायाधीश है और वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना है 64 साल की एज में, तो आप ये ना सोचा तो 6 साल रहेगा, 1 साल काम करते हो क्या हो जाएगा, और कोई व्यक्ति यदि 50 साल की एज में न्यायाधीश बन गया सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसा नहीं है वो 65 साल तक रहेगा, 56 तक हो गए जी। मैंने शुरुआत 6 साल पाई थी, नियुक्तियां मैंने कितनी बताई थी न्यायाधीश से संबंधित, रिटायर्ड न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है, किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है कोरम पूरा करने के लिए, फिर काम हो जाएगा तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। सबसे पहले तो यही बात उठी हमारी, तीन पार्टी में कराया जाएगा इसी वजह से, ना तो आप चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में भी हो सकता था, अगर आपकी इच्छा है तो आप बता दीजिए मुझे, जैसी आपकी इच्छा जो आपको पसंद आए, ये हम आपके ऊपर चल रहा है, आपकी प्राथमिकता स्वीकार करनी पड़ेगी सर। सर जो भी आप सर, सर कोई व्यक्ति ऐसे न्यायाधीश, वो न्यायाधीश है तो महाभियोग ला के हटा दिया जाए, फिर बाद में बन नहीं सकता वो न्यायाधीश बाद में कभी नहीं। एक और चीज और सुना आपने कल वाली बात, किसके साथ बढ़ने की, कौन सी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश कौन सी अदालत में वकालत कर सकता है, नोट करी थी नहीं, नोट करी थी कल मैंने लिखाई थी सर, जिस अदालत में वो काम कर रहे हैं, जो आज नए लोग आए हैं, पापा मेरे बाबा आए हैं, नोट कर लीजिएगा, चीज को लिखो, नोट करके लिखना, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश किसी भी अदालत में वकालत नहीं करेगा रिटायर हो जाने के बाद। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश किसी भी अदालत में रिटायर हो जाने के बाद वकालत नहीं करेगा, नई लाइन से लिखो, आर्टिकल 220 के तहत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 220, आर्टिकल 220 के अनुसार हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, बहुत सवाल में लिखना, गलत मत कर देना, हाई कोर्ट का न्यायाधीश जिस हाई कोर्ट में पद पर रहा है, जिस हाई कोर्ट में पद पर रहा है उसमें और सेशन कोर्ट में वकालत नहीं करेगा, सेशन कोर्ट में वकालत नहीं करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता, कर सकता है। क्या यूपी हाई कोर्ट से कोई व्यक्ति रिटायर हुआ, क्या वो यूपी हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है? नहीं, पंजाब हाई कोर्ट में कर सकता है, लेकिन पंजाब हाई कोर्ट में कम नहीं करेगा, जब पंजाब हाई कोर्ट में भी जज रहा है उसका ट्रांसफर कहां कर दिया गया, यूपी हाई कोर्ट में, तो दोनों नहीं करेगा, तो और भी रास्ते देख लेना, ठीक है। आगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर हो जाने के बाद कोई अन्य पद धारण कर सकता है, यूपीएससी नहीं करता है, यहां से क्वेश्चन नहीं करेगा, सुन लीजिए मेरा प्रश्न, मैं बोल क्या रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अपने पद से रिटायर हो जाने के बाद कोई अन्य पद धारण कर सकता है, एग्जाम्पल पी सस्तिवम केरल के राज्यपाल बनाए थे, माना था आप लोगों को, रंजन गोगोई जी राज्यसभा सांसद है, एग्जाम्पल आपको याद है,
क्लियर हो गया, लिख लीजिए चाहे आप। पी सस्तिवन कौन है? पी सस्तिवन कौन थे? किरण राठौर और रंजन गोगोई जी राज्यसभा सांसद है। पी सस्तिवन या सदाशिवम रिटायरमेंट के बाद किरण राठौर बनाए गए। रंजन गोगोई जी राज्यसभा सांसद हैं। इसके बाद हो गया ना? हाँ सर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका हाईकोर्ट नहीं चलेगा, सीक्वेंस बना के चलाऊंगा मैं। पहले नेत्र महालेखा परीक्षक चलेगा आर्टिकल 148, फिर राज्य का विधानमंडल चलेगा और एग्जीक्यूटिव चलेगी, फिर आपका हाईकोर्ट कब आएगा, हाईकोर्ट के साथ जुड़ेंगे फिर अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय हाईकोर्ट एक साथ इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, सीक्वेंस है। और आपसे अब नेट अगले तक करवा दूंगी का Yeah, I'll cut out this.